हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय माई चैनल एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर वन करेंगे स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वो प्रॉपर्टीज बताइए जिन प्रॉपर्टीज का इन तीनों स्टेटमेंट्स के अंदर यूज हुआ है तो फर्स्ट पार्ट में कहता है इफ ए पैरल टू बी देन एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव यहाँ फिगर में देखिए ये मैंने बड़ी फिगर बना रखी है यहाँ पे ये यह जो ए है और बी है ये दोनों दो लाइन्स पैरल है ंगल इक्वल टू एंगल फाइव अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल पहल और एंगल फाइव ये आपस में बराबर होंगे अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसमें प्रॉपर्टी लग रही है एंगल की क्योंकि जब दो लाइन्स बराबर होती है ना तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है सेम साइड सेम पोजिशन अब इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में और ऊपर लाइन के ऊपर वन है लाइन के ऊपर फाइव है यानी ये दोनों एंगल सेम साइड में है लेफ्ट साइड में है ये लाइन के ऊपर है ये लाइन के ऊपर है तो इस तरह के एंगल्स को हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं लाइन पैरल होती हैं तो एंगल्स बराबर होते हैं तो यहां पे आंसर नंबर वन जो है इसके अंदर लग रही है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी सेकेंड पार्ट देखिए If angle फोर इज इक्वल टू एंगल सिक्स एंगल फोर एंगल सिक्स के बराबर है देन ए पैरल टू बी तो फिर ए बी के पैरल होगी अब फोर और सिक्स को देखिए ये फोर और सिक्स कौन से एंगल्स हैं देखिए ये दो लाइन्स हैं ये ट्रांसवर्सल है, मैं अलग से फिगर बना देता हूं ये दो लाइन्स हैं और ये है ये ट्रांसवर्सल एंगल फोर यहां पे बना हुआ है एंगल सिक्स यहां पे बना हुआ है तो एंगल फोर एंगल सिक्स दोनों बराबर हैं जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। और ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही हैं। ऑल्टरनेट इसलिए क्योंकि एक अपोजिट साइड है एक दूसरे के और दूसरे इनकी प्लेस भी अपोजिट है यानी ये एल फॉर लेफ्ट साइड में है ट्रांसवर्सल के ये आर फॉर राइट साइड में है ये ऊपर की तरफ है ये अंदर की तरफ है तो ऐसे एंगल्स को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं जब ये बराबर होते हैं तो लाइंस फिर पैरेलल होती है तो यहां जो प्रॉपर्टी लग रही है वो लग रही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी सेकेंड में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी थर्ड पार्ट देखिए थर्ड के अंदर ंगल फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री देन ए पैरल टू बी एंगल फोर और फाइव ये दोनों मिलकर वन हंड्रेड एट्टी डिग्री के हैं तो लाइन्स पैरल है अब यहां कौन से प्रॉपर्टी लग रही है इसे भी देखिए इसकी फिगर अलग से बना लेता हूं मैं ये ट्रांस ये, हैं दो और ये है दो लाइन्स और यह ट्रांसवर्सल है एंगल फोर यहां पर बना हुआ है एंगल फाइव यहां पर बना हुआ है ये दोनों मिलके 180 दे रखे हैं बुक के अंदर ये दोनों 180 हैं तो लाइंस पैरेलल हैं अब ये प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री यानी जब ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के दो इंटीरियर एंगल्स मिलके 180 डिग्री के होते हैं ना यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री तो ये तीनों प्रॉपर्टीज का आपका रिवीज़न हो गया है इस एक क्वेश्चन के अंदर इससे जो जस्ट पहली वीडियो है उसके अंदर मैंने ये लाइन्स एंड एंगल्स ये चेकिंग फॉर पैरल लाइन्स कि लाइंस को कैसे चेक करते हैं कि वो पैरेलल हैं या नहीं है तो यही वो तीन प्रॉपर्टीज है क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं और यहां पे जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री अगर होते हैं तो लाइन्स पैरल होती है इन तीनों प्रॉपर्टीज का इस क्वेश्चन के अंदर आपका रिविजन हो गया है क्वेश्चन खत्म तो इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय